हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपसे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एम्स के द्वारा नोट सेट 2020 का आयोजन करवाया गया था। उसके बाद से फ्रेंड्स, जितने भी एम्स हैं जो कि नोट सेट में पार्टिसिपेट हुए थे, वो सभी अपने हिसाब से अलग अलग डेट रिलीज कर रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले अपडेट फ्रेंड्स यही आपके लिए कि दिल्ली एम्स ने अपॉइंटमेंट लेटर वो जारी कर दिए हैं। इसके अलावा आज फ्रेंड्स जो एम्स रायबरेली है उसके द्वारा ये लिस्ट अब जारी की गई है कि ये जो स्टूडेंट हैं उनको अपन ने एलिजिबल माना है। मतलब जो कैंडिडेट का नाम इस लिस्ट में है उनको अपॉइंटमेंट लेटर है वो जारी कर दिए जाएंगे। अब फ्रेंड्स अपन देखने वाले हैं कि कितने स्टूडेंट यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं और कितने स्टूडेंट को टोटल। पहले जैसे कि आप सभी जानते भी हैं, कोरोना वायरस चल रहा है, तो फ्रेंड्स सभी जो कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई हुए हैं उन सभी को एक साथ बुलाना पॉसिबल नहीं है। तो वो फेज़ वाइज फेज बुला रहे हैं कि इस फेज़ में अपन 200 बुलाएंगे, नेक्स्ट फेज में अपन 150 बुलाएंगे, तो इस हिसाब से चल रहा है। तो आज अपन इसमें देख लेते हैं कि कितने स्टूडेंट को बुलाया है पहले दिन और क्या इसमें लिस्ट रही है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नंबर से लेके किस स्टूडेंट की कितनी रैंक थी, कैंडिडेट का नाम क्या है, कैंडिडेट का रोल नंबर, उसका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ क्या रखी गई है, PWD स्टेटस क्या है, अलॉटमेंट कैटेगरी कौन सी है, और ऑप्शन एक्सरसाइज क्या है, और स्टेटस क्या है। सभी स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल हुए हैं। अगर कोई एलिजिबल नहीं है, अगर जिसका इस नाम में लिस्ट में नाम है, तो उनके लिए अलग से उनको ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप सभी देख सकते हैं इसके अंदर टोटल जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर फ्रेंड्स कितने क्वालिफाई हुए हैं। मतलब क्वालिफाई तो पहले कर चुके थे, मतलब ऐसे कितने नर्सिंग ऑफिसर हैं जो वहाँ पर ज्वाइनिंग करने वाले हैं। तो टोटल जो लिस्ट निकाली गई है वो 353 स्टूडेंट की लिस्ट निकाली गई है। आप इसको ध्यान से देख लें, सभी कैंडिडेट के आराम से आप रैंक भी देख सकते हैं कि किन OBC जनरल ST में जो मेल और फीमेल हैं उनमें किन किन कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, कितनी रैंक वालों का हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब वेटिंग लिस्ट आएगी तो किन स्टूडेंट का जो नंबर है वो आने की संभावना है। तो हर एक एम्स अपनी डेट है वो रिलीज कर रही है फ्रेंड्स। इसी प्रकार आप भी अगर किसी एम्स में आपने फॉर्म भरा था और उसकी डेट अभी बाकी है, तो आप हमारे साथ आज जुड़ जाएं, क्योंकि हम हर अपडेट आपको सबसे पहले करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स टोटल जो 353 स्टूडेंट हैं उनकी लिस्ट है ये जारी की गई है। इसके अलावा जो फर्स्ट फेज में जिन स्टूडेंट को बुलाया गया आप देख भी सकते हैं, फर्स्ट जो फेज रखी गई है फ्रेंड्स उसके अंदर जो एक नंबर से लेकर सीरियल नंबर जो एक है उससे लेकर जो 200 नंबर तक के कैंडिडेट हैं उनको फर्स्ट फेज में बुलाया गया है। इसके अलावा जो 201 नंबर से लेकर 353 पर जिन नर्सिंग ऑफिसर का नाम है उनको फ्रेंड्स 31 मई के तक यहाँ पर बुलाने की संभावना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आप इसे अधिक से शेयर करें फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ, और आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद फ्रेंड्स।